नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पे। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे पोंचू। मैं ये 12 साल की उम्र का है, अब मैं 20 साल तक की उम्र का पोंचू बनाऊंगी। मैंने पहले भी आपको दो पोंचू बनाना सिखाए हैं, एक कैप से और एक बिना कैप का। इस पोंचू में मैंने डोरी और फूमा लगाए हैं, नीचे डिज़ाइन डाला है। इसको आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी कर सकते हैं। सिर्फ ऊपर जो चेन डालेंगे हम गले में, गले से, तो वो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यह एक डिफरेंट स्टाइलिश पोंचू है जिसमें सिर्फ दो ही कॉर्नर होंगे। मैंने ये कलर की ऊन ली, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। सबसे पहले हम 144 चेन लगाएंगे। मैंने 144 चेन लगा ली हैं। यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब तीन चेन लगाएंगे। अब जहाँ पे चेन, हम सब चेन में डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। ये देखिए, सब चेन में हम डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। इसी तरह से हम ये सारी चेन में डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आते हैं। फिर बताती हूँ आगे कैसे करना है। अब हमने ये सारा डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम लास्ट में इसमें जहाँ हमने तीन चेन बनाई थी वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम तीन चेन लगाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था, यहाँ से चेन बनाई थी, वहीं पे हमने इसको दो और एक, ये तीन बार हमारा हो गया डबल क्रोशिया, क्योंकि ये चेन लगाई थी, दो बार हमने डबल क्रोशिया कर दिया। उसके बाद एक चेन लगाएंगे, फिर 1 2 3, ये तीन डबल क्रोशिया छोड़ेंगे हम उस बाद में। फिर डबल क्रोशिया छोड़ने के नेक्स्ट में हम एक ही में तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे, तीन, फिर एक चेन करेंगे, फिर 1 2 3, तीन डबल क्रोशिया छोड़ के फिर आगे जाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम एक ही में तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे इस टाइप से, फिर एक चेन लगाएंगे, फिर ये तीन, 1 2 3, ये तीन, 1 2 3, ये तीन डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाके हम तीन बार डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक चेन लगाएंगे, फिर 1 2 3, तीन डबल क्रोशिया छोड़े, फिर नेक्स्ट में जाके तीन बार हम डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर एक चेन लगाएंगे, 1 2 3, तीन बार छोड़ेंगे, हम तीन तीन डबल क्रोशिया छोड़ते जाएंगे और नेक्स्ट में हमने तीन बार डबल क्रोशिया करना है। इस टाइप से जाएगा हमारा। इस तरह से हमने तीन बार डबल क्रोशिए के 23 घर बना लिए हैं। 24वें घर में कॉर्नर बनाएंगे, एक चेन लगाएंगे, 1 2 3 3 यहाँ पे डालेंगे, ये तीन छोड़ के तीन बार डबल क्रोशिया, फिर दो चेन लगाएंगे, फिर उसी में ही हमने तीन बार फिर डबल क्रोशिया कर देना। पहला कॉर्नर बन गया है, फिर उसके बाद एक चेन लगाएंगे, फिर 1 2 3 वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे,
ये तीन बार ये डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 1 2 3, फिर तीन छोड़ के फिर उसमें तीन बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 1 2 3, तीन छोड़ के फिर, तीन छोड़ के फिर तीन बार डबल क्रोशिया, इसी तरह से हम यहाँ तक आते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो हमने एक चेन लगाई, एक चेन लगा के हम यहाँ पे डालेंगे, ये देखिए, क्योंकि 1 2 3 3 के बाद हमने ये डाला, तीन बार डबल क्रोशिया किया, दो चेन लगाई। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे जहाँ हमने तीन चेन लगाई थी, ये देखिए, फिर हम तीन चेन लगाए, उसी में ही हमने तीन बार डबल क्रोशिया करना है, तीन हो गए, यानी कि हमने 3 3 के मल्टीपल में, हम ये हमने 3 3 के मल्टीपल में चेन लेनी है। तो ये हमारे, मैंने 144 चेन ली है, मैंने तीन डबल क्रोशिया छोड़ के उससे अगले में तीन बार डबल क्रोशिया करके एक घर बनाया है। इससे मेरे 144 चेन में से 48 घर बने हैं। 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 24 घर आएंगे, क्योंकि पोंचों को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 23 घर दोनों साइड से, दोनों साइड से 24वें घर में जाकर मैंने कॉर्नर बनाए हैं। फिर एक चेन लगाएंगे, फिर हम उसी तरह से आगे जाएंगे यहाँ पे, फिर एक चेन, फिर आगे जाएंगे, इसी तरह से हम ये आगे बढ़ते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बन गया। एक कॉर्नर हमारा यहाँ पे बना था ये, तो इसी तरह से हम, ये देखिए हम इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे, एक चेन, फिर आगे तीन बार, एक ही में तीन बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे तीन बार, एक ही में तीन बार डबल क्रोशिया, तीन बार, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, इसी तरह से हम ये सारा करते हुए यहाँ तक आएंगे जहाँ पे हमने तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया, ये किया, यहाँ तक आते हैं, फिर बताती हूँ आगे कैसे करना है। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, एक चेन लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे डालेंगे तीन बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लगाएंगे, फिर जहाँ पे हमने तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया किया था, उसके बीच में डालेंगे हम यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया, एक, फिर दो चेन, फिर उसी में ही हमने तीन बार डबल क्रोशिया कर देना, फिर एक चेन, फिर हमने यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लगा के फिर हम वैसे चलते जाएंगे। अब उसके साथ ये जहाँ चेन लगी थी वहाँ डालेंगे तीन बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे तीन बार डबल क्रोशिया,
वैसे ही बनाना है जैसे मैंने पहले पोंचू में भी आपको बताया है। तीन बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे डालेंगे, इसी तरह से हम करते हुए हम यहाँ पे आते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे आते हैं, फिर आगे बताते हैं कैसे करना है। अब लास्ट में हम फिर एक चेन लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे पहले ही हमने तीन डबल क्रोशिया डाले थे वहीं पे हम डालेंगे लास्ट में, एक तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर दो चेन लगाएंगे, फिर जहाँ पे हमने चेन लगाई थी तीन चेन वहाँ पे हम यहाँ पे वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए वहीं पे हमने फिर यहाँ पे डालना है तीन बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर आगे वैसे चलते जाएंगे। एक चेन, फिर आगे वैसे चलते जाएंगे हम, ये हमारे राउंड इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। ये नेक्स्ट में जाएंगे, एक चेन फिर यहाँ पे डालेंगे, एक चेन फिर यहाँ पे, एक ही में तीन बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन फिर यहाँ पे डालेंगे, ये देखिए इस टाइप से आएगा हमारा, फिर एक चेन, फिर आगे वैसे ही सारे राउंड करने हैं हमने। इसी तरह से ये सारा करके हम यहाँ तक आते हैं जहाँ पे हमारा ये तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया, यहाँ तक आते हैं, फिर बताती हूँ आगे कैसे करना। जाएंगे यहाँ पे हम तीन, एक ही में तीन बार डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन, अब ये तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया, इसके बीच में डालेंगे हम पहले ये तीन बार डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर उसी में ही हमने डालना है, हमने तीन बार डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से फिर एक चेन डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ यहाँ डालेंगे, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, चेन, एक चेन, फिर नेक्स्ट में, इस तरह से हम ये सारा करते हुए यहाँ तक आएंगे जहाँ से स्टार्ट किया था, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। ये यहाँ पर पहुँच गए हैं तो हम पहले एक चेन लगाएंगे, तीन बार डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया, एक बार तो हमारा जो स्टार्ट किया था हमने तीन बार डबल क्रोशिया हो गया था, फिर हम इसी में ही हम डालेंगे तीन बार डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर यहाँ जो चेन बनाई थी हमने वहाँ पे हमें यहाँ पे जाके स्लिप स्टिच कर देंगे।
अब यहाँ पे हम जहाँ पे चेन लगाई थी वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर तीन चेन लगाएंगे, फिर यहीं पे हम फिर देंगे, फिर एक चेन, फिर वैसे ही आगे चलते जाएंगे। सारे राउंड करते जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे बनेगा। इसी तरह से हमारा वी शेप में ये पोंचू चलेगा। हमें इसी तरह से इसकी राउंड करते जाना है और जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी बना के आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे करना है। इस तरह से ये हमारा पोंचू बनता जाएगा। सबसे पहले मैंने इसके 15 राउंड किए, फिर उसके बाद मैंने दो वाइट राउंड कर लिए इसकी ग्रेस को बढ़ाने के लिए, फिर मैंने 5 राउंड किए ग्रे कलर के, फिर दो वाइट किए, फिर 5 ग्रे के, दो वाइट के, फिर मैंने ये 5 मैंने कल 5 राउंड मैंने ये लास्ट के 5 राउंड मैंने ये ग्रे कलर के किए। इसके बाद फिर मैं 2 राउंड वाइट के करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा डिज़ाइन इसमें फिर मैं उसके बाद फिर मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने वाइट कलर कैसे यूज़ किया। तो वैसे पहले तो ये लास्ट में है, हम ये लास्ट राउंड है हमारा एक, फिर इसी में हम 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया, तो 3 बार डबल क्रोशिया तो हमारा हो चुका है। अब इसी में ही हम ये 3 बार डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर 2 चेन लगाएंगे, फिर ये लास्ट में हमने 3 चेन लगाई थी तो यहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये यहीं से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा बन गया 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 बार डबल क्रोशिया। इसके बाद मैं वाइट यूज़ करूँगी। अब इसमें हम पहले 3 चेन लगाएंगे, ये लग गई हमारी 3 चेन। उसके बाद फिर हम ये जो होल बना 2 चेन जहाँ पे 2 चेन लगाई थी, 2 चेन लगा के हमने स्लिप स्टिच किया था, ये यहाँ पे डालेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, 3 बार डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 चेन लगाएंगे, फिर आगे उसी तरह से बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 1 चेन लगाई थी, यहाँ पे हम 3 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। जब ये सारे राउंड ख़त्म हो जाएंगे, लास्ट में हम ये 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन लगा के यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमारे ये 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया बन जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 बार डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह से हम वाइट कलर के भी 2 राउंड कर लेंगे। यहाँ पे वाइट कलर के 2 राउंड हो गए हैं। अब वाइट कलर को हम खत्म कर ग्रे कलर इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पे 3 चेन लगाएंगे, उसी में हम फिर 3 बार डबल क्रोशिया, यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3, 3 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 चेन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन लगाकर ये जो 3 बार डबल क्रोशिया ये छोड़ के यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस टाइप से, फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन लगाएंगे, फिर हम ये 1 को छोड़ के नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस टाइप से, ये देखिए, फिर 6 चेन लगाएंगे और ये 2 बार, ये 3 बार डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट वाला 3 बार डबल क्रोशिया, यानी ये 2 हम स्किप करेंगे, फिर हम उसके साथ यहाँ पे एक ये स्किप करेंगे, 1 स्किप करेंगे, इसके साथ यहाँ पे हम
चार बार डबल क्रोशिया कर देंगे, चार इस टाइप से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स चेन लगाएंगे। सिक्स चेन लगा फिर मैं ये वाला, ये ट्रिपल क्रोशिया जो मैंने दो तीन बार डबल क्रोशिया किया था ये स्किप करेंगे, ये वाला तीन बार डबल क्रोशिया किया ये स्किप करेंगे। इसके साथ यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया कर दूँगी, ये देखिए इस टाइप से आएगा हमारा। फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन लगाएंगे, ये वाला स्किप करेंगे डबल क्रोशिया, तीन बार जो डबल क्रोशिया ये है ये स्किप करेंगे, इसके साथ यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे ये। फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन लगाएंगे, फिर ये दो ये स्किप करेंगे, एक ये स्किप करके नेक्स्ट में हम चार बार हम डबल क्रोशिया कर देंगे, एक दो तीन चार, इस टाइप से आएगा हमारा। दो तीन चार पाँच छः, छः चेन लगाई, ये दो स्किप करेंगे, ये वाला भी और ये वाली, नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन लगाई ये स्किप करके, इसके साथ वाला यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे, ये देखिए इस टाइप से होगा हमारा। फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन लगाई ये स्किप करेंगे, ये स्किप करेंगे, यहाँ पे हम चार बार डबल क्रोशिया कर देंगे, तीन चार। फिर एक यहाँ पे हमारा था तो हमने यहाँ पे एक ये स्किप हो गया, एक ये स्किप हो गया, यानी ये हमारे दो स्किप हो गए। तो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया, फिर पांच चेन लगाई ये स्किप किया, यहाँ पे आ गए। फिर हमने दो स्किप किए, यहाँ पे हमने चार बार डबल क्रोशिया कर दिया, दो स्किप किए, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर पांच चेन की एक स्किप किया सिंगल क्रोशिया, यानी हम नहीं सब में दो दो स्किप करने हैं। जब हम पांच चेन लगाते हैं तब हमने एक बार स्किप करना है, ये तीन बार डबल क्रोशिया एक बार स्किप होगा। इसी तरह से हम ये सारा करते हुए यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। कॉर्नर पे पहुँचने वाले हैं तो अगर मैं यहाँ पे सिक्स चेन लगाती हूँ, दो ये स्किप हो जाएंगे, एक ये स्किप हो जाए, फिर ये तीन बचते हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन लगाई, मैं यहाँ पे तीन स्किप कर लूँगी, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, ये देखिए वन टू, वैसे तो हम दो स्किप करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं तीन बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया, तो ये मैंने वन टू थ्री, थ्री स्किप कर लिए। फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन एक स्किप, एक हम छोड़ेंगे तो हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब एक दो तीन चार पाँच छः, छः फिर ये दो हमने छोड़ने थे, यहाँ पे हमारा ये कॉर्नर तीन बार डबल क्रोशिया। फिर एक दो चेन, फिर उसी में ही हमने तीन बार डबल क्रोशिया, एक दो तीन बार डबल क्रोशिया, क्योंकि हमें इस कॉर्नर के ऊपर ही हमने ये कॉर्नर करना है, तो तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पे एक ज़्यादा ले लिया, यहाँ पे मैंने एक ज़्यादा छोड़ दिया, तो अब हमारी डब्बी पूरी हो गई। फिर आगे वैसे चलेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, छ वैसे ही, ये तीन डबल क्रोशिया हो गया, ये तीन डबल क्रोशिया हो गया, यहाँ पे एक ये छूट जाएगा, एक ये, तो हम यहाँ पे करेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चार पाँच छ, छ करने के बाद ये वाला डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया छोड़ेंगे, ये वाला ट्रिपल जो डबल क्रोशिया ये छोड़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे चार बार डबल क्रोशिया, एक दो तीन
चार, ये चार बार डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए इस तरह से आएगा हमारा। अब सारा फिर हम ऐसे ही हम यहाँ तक करते आएंगे, यहाँ तक, फिर बता आगे कैसे करना है। में क्या करेंगे हम, अगर मैं ये दो डब्बी छोड़ती हूँ, फिर उसके बाद एक छोड़ती हूँ, फिर छोड़ती, ये बच जाएगा, तो हम यहाँ से डब्बी को हम बढ़ाएंगे। दो तीन चार पाँच छः, छः चेन लगाई। अब मैं यहाँ पे तीन स्किप कर दूँगी, वन टू थ्री, ये तीन छोड़ दूँगी ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ पे डालूँगी सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच के डालेंगे, फिर यहाँ पे एक छोड़ दूँगी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः करके फिर मैं यहाँ पे ये एक और एक ये छोड़ेंगे, एक ये छोड़ेंगे। अब ये तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया हम पहले कर चुके हैं, तो उसी में ही हम डालेंगे दो तीन, उसके बाद दो चेन लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो तीन बार डबल क्रोशिया किया था, यहाँ पे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए हो गया। फिर अब फिर वैसे लगाएंगे, इसी में डालेंगे तीन बार, एक दो तीन, फिर सिक्स चेन लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन लगा के जहाँ हमने यह पांच चेन डाली थी वहाँ पे हमने क्या करना है, एट टाइम डबल क्रोशिया करना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बार डबल क्रोशिया करना है हमने। फिर उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स चेन लगा के जहाँ हमने डबल क्रोशिया किया था, ये चार बार डबल क्रोशिया किया था, ये दो बार डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बीच में, दो बार डबल क्रोशिया इधर छोड़ना, दो बार डबल क्रोशिया इधर छोड़ के उसके बीच में हमने फिर हमने चार बार डबल क्रोशिया कर देना, एक दो तीन ये चार, ये इस तरह से आएगा हमारा। ये देखिए फिर एक दो तीन चार पाँच, छः चेन लगाएंगे, फिर जहाँ पे हमने पांच चेन लगाई थी वहाँ आठ बार डबल क्रोशिया कर देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बार डबल क्रोशिया हो गया, दो तीन चार पाँच छः, फिर चार बार डबल क्रोशिया करेंगे, दो इधर छोड़ देंगे, दो इधर छोड़ेंगे, बीच में डालेंगे हम ये चार बार डबल क्रोशिया, एक दो तीन ये चार, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन लगाएंगे, फिर उसके बाद जहाँ पाँच चेन लगाई थी वहाँ पे फिर हमने आठ बार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये हो गया। फिर छः चेन लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, फिर उसके बाद फिर ये चार बार डबल क्रोशिया इसके सेंटर में डालेंगे हम, एक दो तीन ये चार, चार बार डबल क्रोशिया, इस तरह से हमारा चलता जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम चलाएंगे, यानी छः चेन डालेंगे जहाँ हमने पांच चेन डाली थी वहाँ आठ बार डबल क्रोशिया, फिर छः चेन, फिर चार बार डबल क्रोशिया, छः चेन,
फिर 8 बार डबल क्रोशिया, फिर 6 चेन, फिर 4 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये हमारा चलता जाएगा। हम यहाँ तक जहाँ से स्टार्ट किया था, ये सारा करके हम जहाँ से स्टार्ट किया था यहीं पे आते हैं, फिर बताती हूँ आगे कैसे करना है। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम 6 चेन लगाएंगे। 6 चेन लगाने के बाद अब हम यहाँ पे जो हमने किया था, 6 चेन लगा दी हमने। 6 चेन लगाने के बाद ये हमारा कॉर्नर आ गया, 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया। 3 बार डबल क्रोशिया हमने स्टार्ट किया था, तब किया था, अब हम इसी में डालेंगे 3 बार डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, ये हो गया। 2 चेन लगाएंगे, उसके बाद जो 3 चेन लगाई थी हमने यहाँ पे, यहाँ पे 3 चेन लगाई थी, तो यहाँ पे हम इसको इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए कॉर्नर बन गया। फिर उसी तरह से 3 चेन लगाएंगे, लगाने के बाद हम इसी में यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 3 बार डबल क्रोशिया। अब फिर से करेंगे, 6 चेन लगाने के बाद ये जो हमने 8 बार डबल क्रोशिया किया था, तो हमने ये डबल क्रोशिया के और ये डबल इसके बीच में यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर लेके 1, 2, 3, ये 3 बार हो गया। अब सभी में इकट्ठा निकाल लेंगे, ये देखिए 1 हो गया, 1 लॉक कर देंगे। फिर इसी तरह से हम नेक्स्ट में जाएंगे, 1, 2, 3, ये 3 बार हो गया। फिर सब में इकट्ठा निकाल देंगे, ये देखिए इस टाइप से बनेगा हमारा। आपको बीडिंग में सिखाया हुआ है, मैंने कई वीडियो डाली है उसमें मैंने बीडिंग की है, तो उस टाइप से ही ये करना है। उसमें मैंने ज़्यादा लिया, इसमें मैंने 3 बार लिया है। फिर 1 लॉक चेन लगा, 1 लूप लिया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, 1, 2, 3, 3 बार हो गया। फिर इकट्ठे सारा ये निकल गया, फिर 1 चेन लगाएंगे, ये 3 बार हो गया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, ये फिर नेक्स्ट में जाएंगे, 1, 2, 3, 3 हो गए। फिर सब में इकट्ठा निकाल लेंगे, फिर 1 चेन लगा देंगे। इस टाइप से बनता जा रहा है, ये देखिए हमारा। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, 1, 2, 3, फिर नेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पे, इसमें भी हम 1, 2, 3, ये देखिए 1 चेन लगा दें। तो ये हमारे नीचे हमारे 8 थे, ऊपर आए 1, 2, 3, 4, नीचे हमारे 8 डबल क्रोशिए थे, ऊपर हमारे 7 आए हैं। जो ये जो मैं क्रोशिट किया है, ये 7 आए हैं। फिर हम 6 चेन लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हमने जो हाथ है वो हमने ढीला रखना है, ज़्यादा ढीला भी नहीं, ज़्यादा कसा हो नहीं। अगर आपका हाथ थोड़ा सा कसा हुआ है तो आप थोड़ा सा लूज़ करके बनाइए, तो इसकी ज़्यादा ग्रेस आएगी। ये फिर हम इसमें 4 बार डबल क्रोशिया वैसे ही करेंगे, 1, 2, 3, 4, 6 चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चेन बना ली। अब हमने फिर यहाँ से लूप लिया 1, अब इसके ये सेंटर यहाँ पे डालेंगे। फर्स्ट 1 बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 1 बार और करेंगे 3 बार। फिर सभी में 1 बार इकट्ठा ही निकाल लेंगे हम, ये फिर 1 चेन लगाएंगे, ये देखिए 1 बन गया। फिर दूसरा बनाएंगे, यहाँ से लूप लिया, ये नेक्स्ट पे जाएंगे बीच में यहाँ पे, 1, 2, 3, फिर सब में इकट्ठा निकाल लिया, ये देखिए फिर 1 चेन लगा दी, 2 हो गए हमारे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, 1, 2, 3, फिर
इकट्ठा निकाल दिया, एक चेन लगा दी, तीन बन गए हमारे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, एक दो तीन, तीन बार लेना हमने, तो इसमें सबमें इकट्ठा निकाल दिया, एक चेन लगा दी, ये बन गया हमारा। फिर इसमें डालेंगे एक दो तीन, फिर इसमें सब में इकट्ठा निकाल देंगे, ये देखिए एक दो तीन चार पांच बार हो गया। फिर ये नेक्स्ट में जाएंगे, एक दो तीन, ये देखिए ये हो गया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, एक दो तीन, फिर इकट्ठा निकाल देंगे, एक चेन लगा देंगे, इस टाइप से हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन लगाई। फिर वैसे ही हमने ये दो डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बीच में यहाँ पे हमने चार बार डबल क्रोशिया कर देना, एक दो तीन चार, ये देखिए इस टाइप से हमारा ये फ्लावर बनेगा, ये देखिए इस टाइप से। इसी टाइप से हम ये सारे राउंड करके, यहाँ से ये सारा राउंड करके यहाँ तक जहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ तक आते हैं, फिर बताती हूँ आगे कैसे करना है। ख़त्म हो गया है तो हम सात चेन लगा के, हम ये जो हमारे तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन तीन बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया हम पहले कर चुके थे स्टार्टिंग में, अब उसी में ही हमने डालना है ये तीन बार डबल क्रोशिया, एक दो ये तीन, फिर दो चेन लगाएंगे। यहाँ पे हमने जो तीन चेन लगाई थी वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, ये देखिए हो गया हमारा कॉर्नर बन गया। तो हम तीन चेन लगाएंगे, फिर हम उसी में ही हम तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे, ये आठ आए थे, ये जो हमने ये तीन बार डबल क्रोशिया करके एक ही में एक बार में ही निकाल लिया था, तो ये हमारे आठ, ये हमारे सात आए, सात आए थे, सात के बाद हमारे छः आए, छः के बाद हम पहले एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लगाएंगे। फिर उसके बाद अब हमारे एक दो तीन चार पाँच छः, छः के बाद अब पाँच आएंगे, इसको छोड़कर हम बीच में यहाँ से शुरू करेंगे, एक दो ये तीन, अब यहीं से इकट्ठा निकाल लेंगे, फिर एक चेन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पे, एक दो तीन, फिर से इकट्ठा निकाल लेंगे, एक चेन लगाएंगे, इसमें जाएंगे एक एक दो तीन, फिर एक दो तीन हो गया। फिर हम ये आएंगे यहाँ पे, एक दो तीन, एक दो तीन चार हो गए। फिर आगे आएंगे, एक दो तीन, ये हो गया। पहले आए सात, सात के बाद छः, छः के बाद पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच आ गए। इसी तरह से हम सात चेन लगाएंगे, फिर सात चेन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लगाएंगे। यहाँ हम चार बार डबल क्रोशिया, दो ये डबल क्रोशिया छोड़ के बीच में डालेंगे, या फिर एक उसी में दो, फिर तीन और फिर चार, इस तरह से होगा हमारा। इसी तरह से हम ये सारा राउंड करके फिर यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आते हैं, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। ख़त्म हो गया है, अब हम सात चेन लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच सात, सात चेन लगाने के बाद ये हमने तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन तीन बार डबल क्रोशिया, तो तीन बार डबल क्रोशिया तो पहले हो गया था हमारा स्टार्टिंग में, अब इसी में हम फिर डालेंगे तीन बार डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर दो चेन लगाएंगे। फिर यहाँ जो चेन लगाई थी हमने तीन, वहाँ पे हम इसको
स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये हमारा फिर कॉर्नर बन गया। फिर तीन चेन लगाएंगे, फिर उसी में जहाँ पे दो चेन लगाई थी यहाँ पे हम फिर तीन बार डबल क्रोशिया कर देंगे। एक दो तीन, तीन बार डबल क्रोशिया हो गया। हमने छः चेन लगाई थी तो हमने आठ बार डबल क्रोशिया किया था, फिर छः चेन लगाई उसके बाद फिर ये तीन बार डबल क्रोशिया लेके हम इकट्ठा उसमें से निकाल दिया था, तो हमने ये छः आए थे हमारे सात आए थे, फिर सात बार सात चेन ली हमने तो सिक्स आए, फिर सात चेन ली तो फिर फाइव आए। अब हम लेंगे आठ चेन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चेन लेंगे तो फिर ये पहले थे सात छः पाँच, सात छः पाँच, अब आएंगे चार। पहले तो इसमें लेंगे हम एक बार, फिर लिया दूसरी बार, फिर लिया तीसरी बार, फिर इसमें से हम सभी में इकट्ठे निकाल देंगे, फिर एक चेन लगाएंगे ये, फिर नेक्स्ट में जाएंगे एक दो तीन, करना वैसे ही है। हम ये जो डिब्बी है वो हमारी कम होती जाएंगी, फिर एक दो तीन ये हो गया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे एक दो तीन, चार आ गए हमारे, फिर एक दो तीन चार पाँच छ आठ, आठ किए चेन लगाई, आठ चेन लगाने के बाद फिर चार बार डबल क्रोशिया था तो दो बार डबल क्रोशिया छोड़ के ये सेंटर में डालेंगे हम, चार बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन ये चार, ये पहले सात छः पाँच चार, इसी तरह ये सारी डिब्बी इसी तरह से ये सारा हो जाएगा, यहाँ तक आएंगे। उसके बाद फिर हम आठ चेन लगा के ये चार है, चार के फिर तीन बन जाएंगे हम, ये दो राउंड करके आएंगे, पहले चार वाला ख़त्म करेंगे फिर उसके बाद आठ चेन ही लगानी है, आठ चेन लगाने के बाद फिर इसमें तीन आ जाएंगे, तीन डिब्बी आ जाएगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे करना है। हमारा ये राउंड भी पूरा हो गया है, पहले हमारे सात दाने बने थे, फिर छः बने, फिर पाँच, फिर चार, फिर तीन तीन, अब इसको बंद कर देते हैं, दो हमने आठ चेन लगाई, फिर वही जाएंगे हम जहाँ से स्टार्ट किया था, हमने तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन तीन बार डबल क्रोशिया, स्टार्टिंग में तीन बार डबल क्रोशिया हो गया, अब वहीं पे डालेंगे हम ये तीन बार डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ये तीन चेन लगाई थी वहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब तीन है, तीन के तीन, अब हमारे यहाँ पे दो दाने आएंगे तो हम पहले दस चेन लगाएंगे, एक दो तीन चार सात आठ नौ दस, दस चेन लगा ली। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद तीन चेन लगाएंगे, एक दो तीन, अब यहाँ पे हम डालेंगे तीन बार डबल क्रोशिया, एक दो और एक बार और डालेंगे तीन, तीन बार डबल क्रोशिया डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब हम छः सात छः पाँच चार तीन, अब ये हमारे दो दाने आएंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे पहले दस चेन लगाएंगे, दस चेन लगा दी वैसे ही, फिर करेंगे यहाँ पे जाएंगे बीच में, यहाँ पे नहीं डालना हमने, हमने इसके एक बार किया
दो बार किया, फिर तीन बार। तीन बार करने के बाद फिर इकट्ठा निकालना है एक, फिर एक चेन लगा देनी, वैसे ही करना है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, एक दो तीन, तीन बार करिए, ये चेन लगा दें, ये दो हो गए हमारे। फिर एक दो तीन चार पाँच छ नौ 10 चेन लगा दी हमने। 10 चेन लगाने के बाद हम तीन, ये चार बार डबल क्रोशिया हो गया। फिर 10 चेन लगाएंगे, दस चेन लगाने के बाद फिर वैसे ही करेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे हम एक दो तीन, तीन हो गए। फिर उसके बाद इकट्ठा निकाल देंगे, एक दो तीन, तीन हो गए। फिर इकट्ठा निकाल देंगे सब में ये, फिर एक चेन लगाएंगे। फिर इसी तरह आगे जाएंगे, एक दो तीन, ये हो गया। फिर इकट्ठा, फिर 10 चेन लगाएंगे, फिर यहाँ पे चार चार बार डबल क्रोशिया कर देंगे, सेंटर में डालेंगे इसे, एक दो तीन, ये चार, तीन ये चार, ये हमारा इस तरह से आएगा। ये देखिए हमारा इस तरह से आएगा, इसी तरह से हम ये सारा राउंड करके जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आते हैं। फिर बताती हूँ आगे कैसे करना है। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक दो ये 10 चेन लगाई हैं, फिर वहीं पे आगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे, तीन बार दो चेन लगाएंगे। फिर जहाँ पे हमने तीन तीन बार हमने तीन चेन लगाई थी जहाँ पे, वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, ये हमारा कॉर्नर बन गया। फिर तीन चेन लगाएंगे, फिर यहीं पे डालेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम बारह चेन लगाने के बाद, पहले हमारे सात दाने थे, फिर छ पाँच चार तीन दो, अब एक हो जाएगा। वैसे बीच में लेके जाएंगे, एक तीन बार करेंगे, दो ये इकट्ठा निकाल दिया, एक चेन लगाएंगे, बारह चेन फिर लगाई। फिर हम यहाँ पे सेंटर में डालेंगे और चार बार डबल क्रोशिया करेंगे, चार, फिर बारह चेन लगाएंगे, फिर वैसे ही यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे एक दो तीन इकट्ठा निकाल देंगे, फिर एक चेन लगाएंगे, फिर बारह चेन लगाएंगे, फिर यहाँ पे चार बार डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से आएगा हमारा, ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से हमारा ये बनेगा डिज़ाइन। ये देखिए इसी तरह से हम ये सारा करके आते हैं,
यहाँ तक जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे पूरा राउंड करके आते हैं यहाँ पे, तो फिर बताती हूँ आगे कैसे करना है। भी कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पे हमने ये राउंड भी कंप्लीट हो गया हमारा। ये देखिए अब 12 चेन लगाई, फिर वहीं पे आ जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे 3 बार डबल क्रोशिया। दो चेन, फिर जहाँ पे 3 चेन लगाई थी वहाँ पे हम यहाँ वहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर 3 चेन लगाएंगे, फिर वहीं पे हम 3 बार डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, 12 चेन लगा ली हमने यहाँ पे बीच में, इसके बीच में ये यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 6 बार डबल क्रोशिया कर दिया हमने। फिर उसके बाद 1 2 3 9 10 11 12, ये देखिए फिर 12 चेन लगाई, फिर यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे भी हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब 2 3 4 5 6, यानी पहले 4 बार चलता था, अब 6 बार हो गया डबल क्रोशिया। हर जगह पे हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 12 चेन लगाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चेन लगा ली। फिर हम क्या करेंगे, ये इसके बीच में डालना है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डालेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे हम 6 बार डबल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से होएगा हमारा। ये हमारा लास्ट राउंड है, 1 2 3 4 5 6 7, या 6 बार डबल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए इस टाइप से हमारा ये लास्ट राउंड चलेगा। ये देखिए इस टाइप से चलेगा हमारा लास्ट राउंड। हम सारा राउंड करने के बाद फिर हम यहाँ पे वही 3 बार करके, 3 बार हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया, 3 बार जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, 3 बार डबल क्रोशिया डाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच करके यहीं पे हम इसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे इसको। फ्रेंड्स हमारा पोंचू बनकर तैयार हो गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर स्टाइलिश और डिफरेंट टाइप का पोंचू बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।